हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरा का पूरा थियरी खत्म होगा, यानी कि पूरा चैप्टर जब आपको पढ़ा देंगे, तो आपने वो वीडियो देखा ही होगा। तो अब उस वीडियो को देख के आप हमारे साथ जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठा के, कि आपको मैं इसमें सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए पेन कॉपी उठा के मेरे साथ शुरू हो जाइए। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा काम आप करिए कि आप तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही प्राप्त होते रहें। और बहुत सारे आपको ट्रिकी वीडियोज भी अगर आपको चाहिए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको लग रहा हो कि हम हिस्ट्री कहाँ से याद करें, तो इसी चैनल पर हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना के डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। बस आपको करना एक काम है कि तुरंत हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपको अगर इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। साथ ही हमें आप Facebook और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको ढेरों लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगर आपने वो थ्योरी देखी होगी, थ्योरी वाला वीडियो देखा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब होता है ज्ञान। तो उनका गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर से निकलना ही उनका गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? पहले मैंने बताया था, जैसे थ्योरी आप देखेंगे पहले आपको PDF मिल जाएगा क्या उनको उस वंश की थी। शाक्य वंश की थी, माया वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी या कोली वंश की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था पूछ रहे हैं? वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था या पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इस समय नेपाल में है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ है, प्रछन्न है, मिहिर है या गुडाकेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? बुद्ध का दूसरा नाम अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स में मिलेगा प्रछन्न, लेकिन एक्चुअल में इसका दूसरा नाम जो है वो मैत्रेय के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि इनके अगले जन्म में है। और बहुत सारे बुक्स में आपको इनका बुद्ध का दूसरा नाम प्रछन्न भी मिलेगा, लेकिन प्रछन्न इसलिए सही नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था, प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था, इसलिए इनका दूसरा नाम प्रछन्न जिन्होंने भी दिया वो गलत है। एक्चुअल में मैत्रेय इनका दूसरा नाम होगा। तो इसमें से अगर दूसरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाता था। मौर्य, सुंग, सातवाहन या कुषाण वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से। ये बात पता चलती है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्यों इसकी पूजा करते? क्योंकि अशोक जो था मौर्य वंश का, जो सबसे प्रतापी शासक था, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ पे आया था? लुम्बिनी में यात्रा करने आया था, यानी कि बौद्ध धर्म के जहाँ पे बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पे वो यात्रा करने आया था। और इसने यहाँ पे कर यानी कि जो टैक्स हुआ करते उसमें छूट प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के या धर्मपाल के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है रुम्मिन देई अभिलेख, और इसी से पता चलता है कि लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने की थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिल वस्तु में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मैंने आपको उसमें बताया था कौन से गणतंत्र थे, मल्लों का था, लिच्छवियों का था, शाक्यों का था या पालों का था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे मल्ल गणराज्य हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? मल्ल गणराज्य।
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित रहेगा, जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ रहेगा, तो कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या श्रावस्ती में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, आनंद था, सारिपुत्र था, मोगलन था या सुबद्ध था। तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबद्ध था, जिसको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली ने, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। आलार कलाम कौन थे, मैंने आपको बताया उसमें कौन थे, बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वही आलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि पहला प्रवचन, यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो हम सबको पता है सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बार बार सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोधगया में। तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, इस तरह से भी सवाल आते हैं, महावीर ने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था या गुरु नानक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। आप सोच रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजात शत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, इस तरह से भी प्रश्न आ चुका है, आनंद ने किया था, महाकश्यप ने किया था, मोगली पुत्र ने किया था या उपाली ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप ने किया था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, कश्मीर वाला पूछ रहे हैं कि किसने की थी, पास ने की थी, नागार्जुन ने की थी, सूत्रक ने की थी या वसुमित्र ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी या मेनेंडर के शासनकाल में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, दूसरी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन आपके वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तक्षशिला में, सारनाथ में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में तीसरी सभा बुलाई गई थी, जो कि अशोक के समय हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यानी मृग सहित चक्र द्वारा कौन सी, महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो मृग सहित कैसे दिखाया गया है कि ये किस चीज को डिनोट करता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश, क्योंकि वो स्थान मृगदाव कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए प्रथम उपदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोधगया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। क्यों निरंजना नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि यहीं पर इसी नदी के किनारे बुद्ध भगवान को क्या, ज्ञान की प्राप्त हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग मैंने उसमें बताया है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अभी मैंने बताया, दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो कौन सी विषय वस्तु का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यह विषय है। त्रिपिटक क्या है, गांधी जी के तीन बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के तीन नगीने या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है, ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को या जरथुष्ट को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है।
भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की पूजा की शुरुआत हुई थी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? वज्रपाणि के, मंजसी राम से, पद्मपाणि के या मैत्रेय के? तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनका आप बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिए कि इनको कहा जाता है पद्मपाणि। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, यानी कि अगला अवतार कौन सा हो जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय, मैंने आपको बताया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को या नागार्जुन को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को चीन भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? इनके जानकारी के लिए। और इन्होंने ही एक बुक की रचना की है जिसका नाम है माध्यमिक कारिका, और इन्होंने ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। शून्यवाद का प्रतिपादन किया नागार्जुन ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? अभी मैंने बताया नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन सा? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना करवाई थी विक्रमशिला की, धर्मपाल ने, और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है किस युग में स्थापित हुआ था? मौर्यों के, कुषाणों के, गुप्तों के या पालों के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुने, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार क्या होता है, निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ ढेर सारे चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं आपको बताते रहूंगा, इसलिए तुरंत सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए और साथ ही हमारे बेल आइकॉन को हिट करिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहे, हम दूसरों से एक कदम आगे और अपडेट होकर चलें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ढेरों पीडीएफ और ढेर सारी आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।